रियल फ्लेवर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेश गाजरी। अगर स्वर्ग में कहीं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देख रहे होंगे तो शायद आज पछता रहे होंगे और मजबूर होंगे ये सोचने को कि इस देश को आजाद क्यों करवाया, जहां शिक्षक भुखमरी से लड़ रहे हैं और संवेदनहीन लोग सरकार चला रहे हैं। आज के हालात देखते हुए हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ डॉक्टर सेहत सेवाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं और वकील इंसाफ का गला घोट रहे हैं, विश्वविद्यालय ज्ञान का सत्यानाश कर रहे हैं, मीडिया सच्ची घटनाओं को छुपा रहा है, धर्म अधर्म का मूल बन गया है, बैंक हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में जुटे हैं और नेता झूठे वादों के बल पर लोगों को मूर्ख बनाने पर तुले हैं। तो गोरी सरकार हिंदुस्तानियों का पैसा लूट लूट कर इंग्लैंड भेज रही है, पर अब तो भारतीयों की अपनी सरकार है और भारत की शासन व्यवस्था अपनी प्रजा को रोजगार देने के नाम पर ही अरबों रुपए ऐंठ रही है, जिसकी जीती जागती उदाहरण पंजाब में होने वाला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों से योग्यता प्राप्त प्रार्थी सरकार को भारी फीस देकर टीचर की नौकरी प्राप्त करने के लिए सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, परंतु अब तक जिन लोगों को ये सर्टिफिकेट मिला भी है उन्हें भी या तो नौकरी नहीं मिली, पर अगर मिली है वो भी सरकार की बदनीति के कारण बहुत कम पैसों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि जिन लोगों ने ये योग्यता टेस्ट शुरू होने से पहले नौकरी प्राप्त की है वो इनसे कई गुना ज़्यादा वेतन ले रहे हैं। जब वर्ष 2011 में पूरे देश में अध्यापक योग्यता टेस्ट शुरू किया गया तो केंद्र और राज्य सरकारों ने दावा किया था कि जिस भी उम्मीदवार ने यह परीक्षा पास कर ली उसे नौकरी देना अनिवार्य होगा। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब में अभी तक मात्र 1800 टीईटी पास लोगों को ही पक्की नौकरी नसीब हुई। इन्हें भी पहले 3 साल के लिए मात्र 4550 या फिर 6500 रुपए के वेतन पर ही काम करना पड़ा। पंजाब सरकार ने सबसे पहले 3442 टीईटी पास शिक्षकों को 3 साल के लिए ठेके पर भर्ती की थी, मगर उनमें से सैकड़ों अध्यापक इसलिए नौकरी छोड़कर कहीं और एडजस्ट हो गए क्योंकि उन्हें यहाँ तनख्वाह बहुत कम मिल रही थी। उन्हें लगा कि सरकार उन्हें जो पैसा दे रही है उससे तो उनके खुद के बच्चों की फीस भी भरी नहीं जा सकेगी, परिवार का पेट कैसे भरेंगे। 3 साल पूरे करने के बाद भी पक्की नौकरी के लिए इन शिक्षकों को सड़कों पर उतरना पड़ा। सरकार ने 3442 में से सिर्फ 1800 शिक्षकों को ही रेगुलर नौकरी दी। इसके बाद भर्ती किए 5178 शिक्षक जिनको लेबर एक्ट और डीसी रेट से भी कम यानी मात्र 6000 रुपए प्रति माह पर भर्ती किया गया आज भी पक्की नौकरी के लिए धरने दे रहे हैं। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने गत सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर सामूहिक आत्मदाह करने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद सरकार ने 6060 शिक्षकों की भर्ती मात्र 10300 पर की, यानी पूरा महीना मेहनत करने के बाद इन पढ़े लिखे लोगों को तनख्वाह की शक्ल में मात्र 10300 रुपए मिलेंगे। इनको भी पक्की नौकरी या पूरी तनख्वाह मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। इसके बाद 10300 रुपए प्रति माह पर 3582 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है। 2011 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 7000 ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 7000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਟਿਕ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ, ਉੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो बताइए 3 साल तक 6000 या 10300 रुपए प्रति माह पर पढ़ाने वाले इन शिक्षकों को पक्की नौकरी कब देगी सरकार। आपको याद होगा कि ये वही सरकार है जिसके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हर घर में नौकरी देने का वायदा कर सत्ता में आए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो विधायकों, चेयरमैनों और मंत्रियों की तनख्वाह कब 6000 या 10300 रुपए प्रतिमाह करेंगे। गंभीरता से सोचना होगा कि सरकार फरवरी 2018 के नाम पर पंजाब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षा ले रही है उसका आखिर क्या तात्पर्य है।
क्या इस परीक्षा का उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल लोगों को नौकरी की मांग करने से रोकना है? अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। हमने संविधान में पढ़ा है कि लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए चुनी गई सरकार है। अब जो लोगों की सोच इस समय तब्दील हो रही है, वो कहते हैं कि जो हमारी वर्तमान सरकार है इससे तो अंग्रेज ही अच्छे थे, अगर वो काम लेते थे तो उस काम का पूरा मेहनता ना देते। हमारे संविधान में जो समानता का अधिकार हमें मिला हुआ है और हमारे माननीय न्यायालय भी इक्वल वर्क इक्वल पे की कई बार जो है सरकार को आदेश कर चुके हैं कि इक्वल वर्क पे इक्वल पे मिलनी चाहिए, पर ये कैसी सरकार है जो अपने ही लोगों के खून पीने पर आमादा है? क्या सरकार जानबूझकर इन नौजवानों को कड़ी से कड़ी परीक्षा के बहाने ये बता रही है कि उनमें नौकरी करने की क्षमता नहीं है? टीईटी का पेपर इतना मुश्किल होता है कि मात्र 3 से लेकर 5% तक उम्मीदवार ही पास हो पाते हैं और उनको भी नौकरी नहीं मिलती या फिर दशकों तक 6,000 रुपये प्रति माह पर पढ़ाना पड़ता है। पंजाब अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहां टीईटी शिक्षकों की दुर्दशा हो रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत करीब करीब हर राज्य में टीईटी पास शिक्षकों को नौकरी के लिए सरकार के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। शिक्षकों को नौकरी मिले या ना मिले, मगर पंजाब में तो नौकरी की उम्मीद लिए लाखों उम्मीदवार एक बार फिर से ये परीक्षा देने जा रहे हैं। हमारी टीम ने इस परीक्षा को लेकर मोहाली के जिला शिक्षा अधिकारी शरणजीत सिंह से बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कहा जिला शिक्षा अधिकारी ने। 28 सेंटर ने टोटल, जिहड़ा फर्स्ट पीटेट हैगा फर्स्ट, उहदे विच 7,787 बच्चा क्लीयर हो रहे, जिहड़ा शाम वाला सैकंड है उहदे विच 11,691 बच्चा क्लीयर हो रहे। इस दे विच सारियां जिहड़ियां ड्यूटीज़ ने निगरान अमले दियां वो SCERT वालों लगाईआं गईआं ने, तो पूरा प्रबंध है जिहड़ा वो मुकम्मल कर लिया गया, तो बहुत वधिया ढंग दे नाल इह जिहड़ी परीक्षा लई जा रही है। तो इहदे विच सिक्योरिटी का भी असीं पूरा अच्छी ध्यान रखिया है, तो जो अपने क्वेश्चन पेपर्स ने वो भी साढ़े को 24 तरीक में पहुँच जाने ने, तो 25 तरीक में सुबह 7 बजे ये जिहड़े संबंधित केंद्र कंट्रोलर होंगे वो साढ़े को 3B1 के असी सेंटर बनाया उतों आप कलैक्ट करे। TET के वैसे तो नकल की बहुत घट संभावना होंगी है क्योंकि ना तो टीचर को इन्ना टाइम होंगे, वो भी काफ़ी ड्यूटी होंगी है, तो ना ही बच्चा, क्योंकि अगर कोई बच्चा इस तरह की कोशिश करता है तो वह बहुत ज़्यादा टाइम है जो उधर उधर दिखने, क्योंकि उत्तर एक मिनट का जी है वो वैल्यू है, क्योंकि TET का खास खासियत यह है कि बच्चा बहुत तैयारी ना आता है हर कोई बच्चा, तो नकल की जी गुंजाइश है बड़ी घट जाती है, तो क्योंकि उस तरह सिलेबस का तो है नहीं भी किसी पर्टिकुलर बुक के तो आना नहीं भी कोई किसी की बच्चे की कोई हेल्प कर सकता हो, इस करके ये नकल का कोई स्कोप नहीं है बिल्कुल। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें रियल फ्लेवर न्यूज़।